मनु भाकर और सरजोत ने रचा इतिहास, एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, देश को दिलाया दूसरा पदक। मेडल पूरे देश के लिए खुशी का माहौल है इस टाइम, और मैं अभिषेक सर को और सरबजोत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी, जो एक मेडल लेके आए हैं देश के लिए जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी देश के लिए, ढोल धमाकों के साथ सभी को सेलिब्रेट करके जी एक खुशी मनाई जा रही है जी। और सरबजोत की जीत पर खुश हुए कोच, कहा अब आने वाला है उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, आज हम उसके सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं। सर काफ़ी देखिए प्लेयर के लिए काफ़ी टफ मोमेंट होती है कि जब वो पॉइंट्स में रह जाता है और फिर से उसी जो माइंड होता है पहले से सेट होता है एक प्लेयर का माइंड, तो उस तरीके से फिर से अपने आप को कवर करने के लिए तो मुश्किलें तो काफ़ी लगती हैं, पर जैसे कि सरजोत को आप अच्छे से पहले से भी जानते हैं कि काफ़ी टफ प्लेयर है और काफ़ी अच्छे स्कोर्स उसने काफ़ी दिए हैं। मनु भाकर सरजोत की जोड़ी ने किया कमाल, भारत की झोली में डाला दूसरा मेडल, असीम गोयल ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई। जो ब्रॉन्ज मेडल लिया है और हमारी हरियाणा की बेटी, जो आज हरियाणा की नहीं पूरे देश की बेटी है, हर भारतीय उसको बड़ा प्यार करता है और उसने एक बेटियों के लिए उनके सम्मान के लिए एक नई मिसाल, पहली ऐसी प्लेयर वो बनी है कि एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली। सरबजोत और मनु की जीत पर बोले असीम गोयल, कहा सरबजोत ने अंबाला का गौरव बढ़ाया, वहीं मनु ने पूरे देश में बेटियों के लिए मिसाल पेश की। इस बार दोनों की मिक्स जो है 10 मीटर एयर पिस्टल का मुकाबला था, कोरिया से जीता है दोनों ने, और मैं बहुत बहुत बधाई जो है दोनों को देना चाहता हूँ और इनके गर्वित माँ बाप को भी और हर भारतवासी को बहुत बहुत शुक्रिया। टीजीटी में चयनित अभ्यर्थियों का हुआ सम्मान समारोह, सीएम सैनी ने चयनित युवाओं को किया सम्मानित, अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र। सारे टीचर हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जब ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है ऐसे बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का। टीजीटी के लिए राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम, सीएम सैनी ने किया कार्यक्रम को संबोधित, कहा शिक्षा के धन को आपस में बांटना चाहिए, कोई छीन नहीं सकता, शिक्षा बांटने से और बढ़ती है। ना आप इसको बांटेंगे, जितना भी आप इसको प्रसारित करेंगे उतना ही आपका नाम ऊंचा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे। और हमने जिंदगी का यह ध्येय होना चाहिए, समाज के लिए जीवन, समाज के अंदर कोई दिक्कत। डॉक्टर अजय चौधरी ने लोगों को दिया निमंत्रण, कुमारी शैलजा की रैली की कामयाबी को लेकर लोगों तक पहुंचे स्पेक्टर जत्थों के साथ, चौपाल पर लोगों को दिया निमंत्रण। मैं घर घर के बजाय अब चौपाल चौपाल में जाकर के एक निमंत्रण दे रहा हूँ कि 11 अगस्त को आप सब लोग पहुँचें, जितनी भारी संख्या में पहुँचेंगे उतना ही सशक्त संदेश हम प्रदेश में दे पाएंगे, तो यही वो कार्यक्रम है जो मेरे ख्याल में मेरा 2 तारीख को पूरा हो जाएगा। अब मैं घर घर के बजाय अब चौपाल चौपाल में जाकर के एक निमंत्रण दे रहा हूँ कि 11 अगस्त को आप सब लोग पहुँचें, जितनी भारी संख्या में पहुंचेंगे उतना ही सशक्त संदेश हम प्रदेश में दे पाएंगे, तो यही वो कार्यक्रम है जो मेरे ख्याल में। बलजीत रेड्डी का डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा पर हमला, बलजीत रेड्डी का ये वार, कहा जो लोग अधिकारियों की तुलना आतंकवादियों से कर रहे थे उनकी आवाज को क्या अधिकारियों ने सुनना शुरू कर दिया है। अभी हमारे मिड्ढा जी कुछ दिन पहले तो ये कह रहे थे कि जो हमारे अधिकारी हैं इन अधिकारियों के से तो अच्छे आतंकवादी हैं जो कम से कम अपनी जिम्मेवारी तो लेते हैं और अधिकारी। अनिल विज ने राहुल गांधी से की अपील, लोकसभा में महाभारत न करने को कहा, संसद में विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की दी सलाह। जिसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोकसभा में महाभारत मत करें, इनको हमारी संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं, कहीं से कोई दो टुकड़े जान आते हैं